हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम चत्रावत और हम लोग लेके आ चुके हैं नाइन्थ का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू महाराष्ट्र बोर्ड का। तो आप इसको क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू ले लो, सेमेस्टर एग्जाम में आपकी हेल्प हो सकती है बहुत सारे। तो चेकआउट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर वन में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ए में आपको इन द फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे और ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप प्रिपरेशन कर लो, आपके एग्जाम में अभी वाले पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर वन का बी में आपको मैच द फॉलोइंग पूछे जाएंगे, इस तरीके से आपको फटाफट इसको मैच करवाना अच्छे से और करवा लो और कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको मैच आते हैं इनके पहले से। तो क्वेश्चन नंबर टू में के ए के आपको इस तरीके से वन मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल यानी पाँच सॉल्व करने हैं यहाँ पे आपको छः क्वेश्चन में से, ठीक है। इसी तरीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर टू के बी में आपको क्या पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट रीराइट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कुछ जो भी राइट वेदर द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग आपको पता करना है, अगर रॉन्ग है तो उसको रीराइट करना है कि भाई उसका सही क्या होगा, ठीक है। आपको पांच में से कोई भी चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईच कैरी वन मार्क्स। गिव द ज्योग्राफिकल रीजंस एनी टू सॉल्व करने हैं आपको यहाँ पे। और फिर क्वेश्चन नंबर फोर का ए, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग एनी टू, डिफरेंस में से आपको तीन क्वेश्चन में से कोई भी दो सॉल्व करने हैं। ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम, उसमें से आपको कोई भी एक डायग्राम बनाना है। और क्वेश्चन नंबर फाइव में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ एनी थ्री सॉल्व करने पांच में से। तो अच्छे खासे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप अपना सिलेक्ट करो आप किसका आंसर सबसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और आप अगर अभी तक चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अच्छे से, और इस तरीके से चैनल पे आपको नए नए वीडियोस और एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।